हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अगेन बात शुरू करते हैं अब क्विक चार्ट रिवीजन AS7 से। अभी तक हमने एडवांस अकाउंट्स के क्विक चार्ट रिवीजन में AS4 आपको बता दिया है। अब हमारा ये दूसरा स्टैंडर्ड है AS7। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं करूंगा, मतलब AS4 के बाद AS5 आता है वैसे तो, बट मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं करूंगा। जैसा ही रहा, जिस तरीके से रहा, मैं अपना खुद का सीक्वेंस बना के मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन AS7 क्विक रिवीजन फ्रॉम माय चार्ट बुक। ठीक है, AS7 का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 और AS9, ये दो ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो बेसिकली रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है वो बताते हैं। पर दोनों में अंतर क्या है? जहां AS7 सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के केस में अप्लाई होता है और यह बताता है कि कॉन्ट्रैक्टर को रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, वहीं पर AS9 अदर देन कॉन्ट्रैक्टर जितने भी बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर्स, जितने भी अदर देन कॉन्ट्रैक्टर, उनके रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर अप्लाई होता है। तो आपको एक बाइफर्केशन समझना पड़ेगा कि AS7 अप्लाइज ऑन कॉन्ट्रैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल और रेवेन्यू के बारे में ही बात करता है, पर कैसे वो हम AS7 में देखेंगे। AS9 भी रेवेन्यू के बारे में बात करता है, वो तो मेन स्टैंडर्ड है रेवेन्यू का, बट वो अदर देन कॉन्ट्रैक्टर बात करता है। अभी हम बात करेंगे AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसके बाद में AS9 ही बताऊंगा, ठीक है ना, इसके अगले लेक्चर बाद में आपको AS9 ही बोलूंगा। अब होता क्या है कि मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ताकि आप उसी सीक्वेंस में पढ़ें, बट आई रियली डोंट नो कि आप जिस टाइम पे ये लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है शायद आपने अपना सीक्वेंस कुछ और बनाया हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि AS7 और AS9 दोनों साथ में ही पढ़ने। साथ में मतलब पहले AS7 कंप्लीट करना है, फिर AS9 कंप्लीट करना है जब आप एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल ऑन, किसके ऊपर अप्लीकेबल है? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। सर ये कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए आप मेरे कस्टमर हैं, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सर मेरे लिए बिल्डिंग बना के दीजिए, मुझे बिल्डिंग बना के दीजिए। आप गवर्नमेंट हैं, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि रोड डेवलपमेंट करके दे दूं, मैं आपको ब्रिज ऑफ कंस्ट्रक्शन करके दे दूं। सो बेसिकली जिसको काम दिया जाता है कंस्ट्रक्शन करने का, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। AS7 अप्लाई होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो करता है उसके लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। टेक्निकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स तीन टाइप के होते हैं, आपको इस चार्ट रिवीजन बुक में दो दिख रहे होंगे, तीन टाइप के होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फुल प्राइस और फिक्स्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर टोटल वैल्यू या तो फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट की, कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 300 करोड़ रुपीज में, मैं आपको 300 करोड़ रुपीज में ये रोड डेवलपमेंट करके दे दूंगा इतने किलोमीटर की। दूसरा या तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला कि मैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके दे दूं, उसमें मैं आपको 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना के दूंगा, ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर के आप मुझे पे करेंगे, फॉर एवरी फ्लोर यू विल पे मी 20 करोड़ रुपीज। मैं आपको 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना के दूंगा, फॉर एवरी फ्लोर यू विल पे मी 20 करोड़ रुपीस। तो इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में यह होता है कि मैंने जितना भी कॉस्ट बियर किया अपनी जेब से, उसका हिसाब किताब मैं आपको दिखाऊंगा, आप उस कॉस्ट के ऊपर मुझे 25% मेरा मार्जिन दे दोगे, या 10%, 20%, व्हाटएवर जो भी हम दोनों के बीच में तय हुआ है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में फायदा यह होता है कि मतलब सामने वाले कस्टमर को, कि वो पहले चेक करता है कि तुमने कितना रियली में कॉस्ट किया है, उसके बाद वो मार्जिन ऐड करता है। अब यहां पर देखा जाए तो इसको फायदा बोलो, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अब आप अगर ऑब्वियसली चेक करोगे तो मैं हो सकता है शायद थोड़े से फर्जी बिल आपको दिखा दूं, डिपेंड करता है। और तीसरा जो मैंने लिखा नहीं है, कायदे से मुझे लिखना चाहिए, वो तीसरा है, आप यहां पर लिख सकते हो हाइब्रिड। बेटा हाइब्रिड मतलब जहां पर फिक्स्ड और
कॉस्ट प्लस दोनों का मिक्सचर हो, मतलब कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन फिक्स नहीं है, मतलब जहां पर कॉस्ट प्लस है। तो ऐसा भी होता है, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट याद करने की जरूरत है? एज सच नो, एग्जाम में इनका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। टू बी वेरी फ्रेंक, सारे क्वेश्चन जनरली फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और क्या समझना है आपको? आगे बढ़ने से पहले ये दो इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए, इन दो इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लीजिए। हम इस पूरे AS7 में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई रेवेन्यू जो हमें मिलती है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है ना। तो रेवेन्यू में एक्चुअली में आता क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आना चाहिए। AS7 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में सबसे पहले आएगा अग्रीड अमाउंट। अग्रीड अमाउंट मतलब वही जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, हो सकता है वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो, हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट हो, हम दोनों के बीच में क्या अमाउंट अग्री हुआ है, तुम मुझे कितना पे करोगे, वो प्लस वेरिएशन अमाउंट। अब ये वेरिएशन अमाउंट क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि आगे चल के आपने बोल दिया, पहले आपने मुझे बोला कि मैं आपको एक बिल्डिंग बना के दूं जिसमें 100 नंबर ऑफ फ्लैट्स, रेसिडेंशियल फ्लैट्स रहेंगे। मैंने बोला ठीक है मैं आपको बना के दूंगा, उसके लिए तय हुआ प्राइस, उसके लिए प्राइस तय हुआ 300 करोड़, ठीक है। ये हो गया पहला वाला इनिशियल एग्रीड अमाउंट। उसके बाद आगे चल के कुछ ही टाइम बाद आपने बोला कि ना मैं आपको एक अलग से उसी कैंपस में उसी जगह पर बिल्डिंग के साथ मैं आपको एक क्लब हाउस और एक स्विमिंग पूल और एक अलग से गार्डन ये भी बना के दूं, ये भी डेवलप करके दूं। तो मैंने बोला ठीक है, इसके लिए मैंने बोला कि 50 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। तो इट इज कॉल्ड वेरिएशन। सो आगे चल के कुछ भी वेरिएशन आते तो वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट होता है, अगर वेरिएशन को दोनों ने अप्रूव कर लिया है तो। क्लेम्स, क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम्स मतलब ये कि जैसे अब मान लीजिए मैंने एक कंडीशन डाली, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप मेरे कस्टमर हैं, मेरे ऊपर AS7 अप्लाई हो रहा है। मैंने एक कंडीशन डाली कि अगर मुझे देखिए मैं आपका काम आपको समय पर कंप्लीट करके देना चाहता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए इसके लिए पर्टिकुलर एक मटेरियल जो है वो आप मुझे सप्लाई करोगे, मटेरियल मैं नहीं खरीदूंगा, मटेरियल आप मुझे सप्लाई करोगे। अगर मुझे आपके थ्रू मटेरियल की सप्लाई मिलने में टाइम लगेगा, अगर देर लग जाती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे मटेरियल की सप्लाई टाइम पे ना दे पाओ, अगर आप टाइम पे नहीं दे पाओगे तो मैं आपका काम आगे टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपने मुझे मटेरियल की सप्लाई देने में लेट किया, अगर आपने एक महीने से ज्यादा लेट किया, तो पर मंथ बेसिस पर मैं आपसे 0.5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपसे क्लेम चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके कारण मुझे देर हुई। ये जो क्लेम होता है, ये क्लेम किसी भी कारण से चार्ज हो सकता है, कि आपके कारण मुझे देर हुई या ये व्हाटएवर, जो भी मुझे कस्टमर के कारण नुकसान हुआ उसका क्लेम मैं आपसे चार्ज कर सकता हूं। अगर क्लेम दोनों ने अग्री कर लिया है तो वो भी आपके रेवेन्यू का पार्ट बनता है। इंसेंटिव्स, कभी कभार आप खुद ही मुझे, कस्टमर मुझे खुद ही खुश होकर बोल देगा कि अगर मैंने आपका काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया या टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया तो आप मुझे इंसेंटिव्स दोगे, बोनस दोगे। अगेन ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट है। एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज में ये होता है कि हम दोनों के बीच में ये अग्री हो गया, मान लीजिए मटेरियल जो लगना था इस कॉन्ट्रैक्ट में वो मैं ही बियर करूंगा कॉन्ट्रैक्टर। मैंने आपको बोला कि देखो आज सीमेंट की जो एक बोरी होती है, सीमेंट की बोरी समझो, सीमेंट का एक पर्टिकुलर सीमेंट कितने का आ रहा है, सीमेंट की बोरी आ रही है मान लीजिए आज 350 रुपीज की, ठीक है ना, 350 रुपीज की। अगर सीमेंट की वैल्यू 400 तक बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सीमेंट की वैल्यू 400 से ज्यादा बढ़ गई तो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके लिए मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि सीमेंट का रेट एक हद तक बढ़ेगा, अगर उससे ज्यादा बढ़ गया तो मैं एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लूंगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो इट इज कॉल्ड एस्केलेशन क्लॉज। ऑब्वियसली इन सब में यह है कि वो दोनों के बीच में अग्री होना जरूरी है, एक ने बोला मैं लूंगा, दूसरे ने बोला मैं अग्री नहीं किया, तो यह आपके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट नहीं बन सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेनल्टी, ये माइनस करेंगे। पेनल्टी जस्ट आपके क्लेम का उल्टा होता है, कि उल्टा बल्कि अब तुम मुझसे पेनल्टी चार्ज करोगे, मतलब मेरा कस्टमर मुझसे पेनल्टी चार्ज करेगा,
अगर मैंने उसको टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करके दिया तो मुझसे वो पेनल्टी चार्ज करेगा, वो पेनल्टी मेरे रेवेन्यू से लेस की जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ये सारी चीजें आती हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। एग्रीड अमाउंट, वेरिएशन अमाउंट्स, क्लेम्स, इंसेंटिव्स, एस्केलेशन क्लॉज, माइनस पेनल्टीज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक तो डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। सर ये डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस मतलब एक तरीके से मटेरियल, लेबर, जो मैंने आपकी साइट पे ही लगाई है, डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। आपकी साइट पे मैंने क्या क्या मटेरियल लगाया, क्या क्या लेबर लगाया, क्या क्या इलेक्ट्रिफिकेशन इक्विपमेंट्स लगाए, वॉट एवर। अलोकेबल जनरल एक्सपेंसेस। अब कभी कभार ये होता है कि कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ओवरहेड्स, कुछ ओवरहेड्स के खर्चे होते हैं जो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो ऑब्वियसली आप मेरे सिंगल कस्टमर नहीं हो, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो मेरी अलग अलग साइट्स पे काम चलता है, साइट अलग अलग साइट पे कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। मैंने कुछ कॉमन एक्सपेंसेस किए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मशीनरी खरीद के लाया और वो मशीनरी के ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया साल भर का। अब वो जो डेप्रिसिएशन है वो क्यों हुआ? क्योंकि वो मशीनरी मैंने अलग अलग साइट पे लगाई थी, उसमें से मैंने आपकी साइट पे भी साल भर में मैंने 30 डेज वो मशीन लगाई थी, तो टेक्निकली वो जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आया है उस डेप्रिसिएशन का 30 डेज का डेप्रिसिएशन एक्चुअली आपकी साइट पे अलोकेट होना चाहिए, क्योंकि वो खर्चा मैं उधर बुक करूंगा। ऐसे सुपरवाइजर के खर्चे, मशीनरी के हायर के हायरिंग चार्जेस, ऐसे कई सारे एक्सपेंस होते हैं जो हम कॉमन फॉर मोर देन वन साइट करते हैं, फॉर मोर देन वन कस्टमर करते हैं, उसको हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलोकेट करते हैं किसी रीजनेबल बेसिस पे खर्चा करने के लिए। सर क्यों अलोकेट करते हैं? क्यों? क्या कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहेगा कि जो मैं खर्चा कर रहा हूं उसको वसूल करूं कस्टमर से? अच्छा, वो ये चाहेगा कि मैं क्या पूरा खर्चा एक ही कस्टमर से वसूल करूं? ऐसा भी नहीं है। वो मैंने खर्चे, वो जो खर्चे कुछ कॉमन खर्चे हैं वो मैंने सभी कस्टमर्स के लिए किए, तो वो सभी से थोड़ा थोड़ा करके वसूल करूंगा। कस्टमर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। कभी कभार ये होता है कस्टमर ने मुझे स्पेसिफिकली बोल दिया मुझे तो ये बना के देना, इस तरीके से अलग टाइप से बना के देना। तो कस्टमर स्पेसिफिक एक्सपेंस भी आप ये मान लो कि डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस ही होते हैं, आप इसको अदर अलग मत समझो। माइनस इंसिडेंटल इनकम नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। हाँ, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब मान लीजिए मैंने आपकी साइट पे काम चल रहा है, मैं आपकी साइट पे काम कर रहा हूं, आपकी साइट पे काम करते करते, अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि अभी आपकी साइट पे काम करते करते टाइम लग जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्पररी पार्किंग, मैंने एक जगह पर आपकी साइट पे ही आपसे परमिशन लेके मैंने एक जगह को टेम्पररी पार्किंग बना दिया, टेम्पररी पार्किंग बना दिया, और वो मैंने आपको बता दिया कि ये टेम्पररी पार्किंग मैं डेवलप कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा इसके शेड वेड बना दिया, एक टेम्पररी शेड बना दिया, वो मैंने अपने अपना एक्सपेंडिचर किया, आपसे नहीं लिए पैसे, मैंने एक टेम्पररी शेड बना लिया, मैंने उसकी एक टेम्पररी पार्किंग कर दी। उससे क्या होगा, वो पार्किंग मैं चार्जेबल बेसिस पर सबको दे रहा हूं कि यहां पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ये है आपकी साइट पर, इसको टेम्पररी पार्किंग बनाने का खर्चा मैंने किया है क्योंकि आपकी साइट पे काम चल रहा है और अभी इतने एरिया में अभी काम नहीं है मुझे, अभी अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने वो साइट को, मैंने वो पर्टिकुलर जगह को पार्किंग बना दिया और पार्किंग से मैं चार्जेस ले रहा हूं। क्या वो चार्जेस जो मैं चार्ज कर रहा हूं वो मेरे लिए इनकम है? यस, पर वो टेम्पररी इनकम है, मैं वो अपने रेवेन्यू में नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, पार्किंग से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इस रेवेन्यू को, इस इनकम को अपनी टोटल कॉस्ट में से लेस कर दूंगा। आई बात समझ में? टेम्पररी पार्किंग चार्जेस, ठीक है। चलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे साथ आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं नंबरिंग, वो आप करते जाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले अभी क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी, दूसरा हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक पर्टिकुलर असेट को डेवलप करके देने का, एक पर्टिकुलर असेट को कंस्ट्रक्ट करने के देने का, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर। अब इस मेन कॉन्ट्रैक्ट को, अब कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कंबाइनिंग मतलब, कंबाइनिंग का वर्ड कब आता है, जब मैं आपके साथ एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक से ज्यादा असेट्स कंस्ट्रक्शन करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आपने मुझे बोला कि मुझे रेसिडेंशियल फ्लैट्स भी डेवलप करके दो और उसी जगह पर मुझे एक हॉस्पिटल भी बना के दो। अब ये दो दो असेट हो गई, क्या दोनों असेट के कॉन्ट्रैक्ट को मैं कंबाइन करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा, या फिर दोनों को मैं
एक अलग अलग मानूंगा, दोनों को मैं अलग अलग सेगमेंट मानते हुए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा, वो तब करूंगा जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। आइए समझते हैं, दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स विथ द सेम कस्टमर, इंपॉर्टेंट ये है, विथ द सेम कस्टमर, अब आप कब उन दोनों को एक कंबाइन करोगे, नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। क्या रेसिडेंशियल फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन को और हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का जो मैंने आपके साथ प्राइस तय किया है, दोनों का मिलाकर हमने एक सिंगल पैकेज तैयार किया है क्या? क्या रेसिडेंशियल फ्लैट जो मैं आपको बना के दूंगा और जो हॉस्पिटल आपको बना के दूंगा, टोटल मिला के मैं आपसे सिंगल अमाउंट नेगोशिएट कर रहा हूं क्या कि दोनों का मिला के आप तो मुझे 600 करोड़ रुपए दे देना? क्या नेगोशिएशन सिंगल पैकेज के तौर पर हो रहा है क्या? ये देखना बहुत जरूरी है। अगर दोनों का मिला के सिंगल नेगोशिएशन हो रहा है तो यहां दिख रहा है कि दोनों असेट्स का कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, मतलब यहां पर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है कंबाइन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑल असेट्स आर अ पार्ट ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट। क्या दोनों असेट्स एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है? टेक्निकली देखा जाए तो मैंने आपको बोला यस, क्योंकि जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स है उसी कैंपस में मैं आपको बोल रहा हूं कि हॉस्पिटल बना के दूंगा, मतलब ये तो उसी कैंपस में आ रहा है, तो ये एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। हाँ, अगर मैं आप मुझसे हॉस्पिटल बनवाते किसी दूसरे लोकेशन पे और रेसिडेंशियल फ्लैट्स बना रहे हो किसी पहले दूसरे लोकेशन पे, तो यहां पर एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो देखना पड़ेगा कि जितने भी असेट्स यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, वो असेट्स एक ही सिंगल प्रोजेक्ट का पार्ट है कि नहीं। और तीसरा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब ऑल असेट्स आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, या कंटिन्यूअसली मतलब दोनों पे साथ साथ काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि पहले तो मैं आपको रेसिडेंशियल फ्लैट बना के दूंगा फिर ही मैं आपको हॉस्पिटल बना के दूंगा, इट इज नॉट लाइक दैट। तो अगर मान लीजिए ये कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो आप दोनों असेट के कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग नहीं मानते हुए आप दोनों को इकट्ठा एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानोगे। शर्त यह है कि सेम कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर मस्ट बी सेम। तो यहां लिख दीजिए, कस्टमर मस्ट बी सेम। अब सेगमेंटिंग क्या है? सेगमेंटिंग मतलब अलग अलग करना, यूजुअली ट्रीटेड सेपरेटली। एक कॉन्ट्रैक्ट में तीन चार असेट्स कंस्ट्रक्ट करने का एग्रीमेंट हुआ है, सबको मैं अलग अलग मानूंगा अगर सेपरेट प्रपोजल, अगर मुझे हॉस्पिटल का प्रपोजल अलग से दिया गया था, रेसिडेंशियल फ्लैट्स का प्रपोजल अलग से दिया गया था, या मैंने ही प्रपोजल अलग दिया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हॉस्पिटल बना के दूंगा इतने में और मैं आपको रेसिडेंशियल फ्लैट्स बना के दूंगा उतने में, मतलब दोनों का प्रपोजल अलग अलग दिया था, दोनों को कोटेशन मैंने अलग अलग आपको दिया था। सेपरेट नेगोशिएशन, सेपरेट प्रपोजल सेपरेट नेगोशिएशन, एक ही बात हो गई। एबिलिटी टू रिजेक्ट एक्सेप्ट पार्टली, हाँ, क्या मैं ये भी कर सकता हूं क्या, या आप भी ऐसा कर सकते हो क्या? हम दोनों के पास ये ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो आपका सिर्फ फ्लैट वाला ही काम ले लूं और मैं आपको बोलूं हॉस्पिटल किसी और से बनवा लो। आप भी ये बोल सकते हो कि हॉस्पिटल में किसी और से बनवा लूंगा, आप तो मुझे रेसिडेंशियल फ्लैट बना के दो क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज फ्लैट्स बनाने में है। क्या ऐसा है क्या? मतलब यहां पर हम दोनों के बीच में ऐसा है क्या कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब चाहे तो मैं एक को एक्सेप्ट करूं एक को रिजेक्ट कर लूं, आप भी मुझे एक ऑफर दे दो दूसरा ना दो। अगर ऐसा है तो ये डेफिनेटली अलग अलग माना जाएगा। यहीं पर अगर एक्सेप्ट करना है तो दोनों करने पड़ेंगे, रिजेक्ट करना है तो दोनों करने पड़ेंगे, तो ऐसे केस में यहां पर कंबाइन वाला कंडीशन आएगी। और लास्ट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आइडेंटिफाइबल ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। ये पता होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्टर को कि हॉस्पिटल से मुझे सेपरेटली रेवेन्यू कितना होगा और उसका सेपरेट कॉस्ट मेरा कितना होगा, रेसिडेंशियल फ्लैट का सेपरेट रेवेन्यू कितना होगा सेपरेट कॉस्ट कितना होगा। अगर वो मैं अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं तो डेफिनेटली ये सेपरेट माना जाएगा। तो डिपेंड करता है, यहां पर जो सबसे मेन कंडीशन है वो ये है नेगोशिएशन एज अ सिंगल पैकेज या फिर सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है, सेपरेट प्रपोजल दिए गए, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्या एक एक्सेप्ट करूं दूसरा रिजेक्ट करूं, ऐसा भी है क्या? हाँ है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सेपरेट की तरफ जा रहे हैं। तो ये था आपका कि किसी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज्यादा असेट्स का कंस्ट्रक्शन है तो उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे विद द सेम कस्टमर की अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मानेंगे। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा और आगे समझते हैं। इफ एडिशनल असेट्स आर इंट्रोड्यूस, इसको मैं बोलूंगा मॉडिफिकेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे मॉडिफिकेशन। मतलब सर, इफ एडिशनल असेट्स आर इंट्रोड्यूस, सर मतलब इसका क्या होता है?
मान लीजिए आपने मुझे 100 रेसिडेंशियल फ्लैट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वेरिएशन के बारे में, वेरिएशन के बारे में बताया था, आपने मुझे 100 रेसिडेंशियल फ्लैट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने काम करना शुरू कर दिया। आगे चल के आपने मुझे बोला कि सर इस कैंपस में आप मुझे क्लब हाउस और जिम स्विमिंग पूल ये भी बना के दीजिए। अब आप मुझे बोल रहे हो एडिशनल असेट्स ये भी बना के दूं, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन करना। अगर आप मुझसे एडिशनल असेट्स बनवाना चाहते हो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो वो जो आपने एडिशनल असेट का आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको भी कंबाइन कर दूं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर उसको सेपरेट मानो, इसीलिए मैंने बोला यहां पर वर्ड है मॉडिफिकेशन। अब आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो मैं उसको कंबाइन कर लूं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ या फिर मैं उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानू। मैं उसको सेपरेट मानूंगा अगर डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन फंक्शन। 100 रेसिडेंशियल फ्लैट्स बना रहा हूं, वहां रहना है, स्विमिंग पूल में रहना नहीं है, क्लब हाउस में रहना नहीं है, वहां पार्टी वार्टी करनी है, गैदरिंग करनी है, जिम में एक्सरसाइज करनी है। सो टेक्निकली रेसिडेंशियल फ्लैट्स के फंक्शंस अलग हैं और उसके फ्लैट्स के उस उन तीनों चीजों के फंक्शंस अलग हैं। हाँ, वो ओरिजिनली अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट शुरू से होती तो बात अलग था, मैं उसको शुरू से कंबाइन करता, पर अब ये एडिशनल आपने मुझे दिए तो जो एडिशनल आपने दिए उनका फंक्शन अलग है क्या, उनका डिजाइन टेक्नोलॉजी अलग है क्या, प्लस दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प्राइस नेगोशिएटेड सेपरेटली। मैंने तो आपको बोल दिया कि ठीक है मुझे आपको बना के देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको बना के देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बना के दूंगा, पर ये जो एडिशनल आप मुझसे बनवा रहे हो इसका मैं आपसे अलग से 100 करोड़ चार्ज करूंगा। आपने बोला ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, आप मुझसे एग्जिस्टिंग 400 करोड़ चार्ज कर रहे हो ना, उसके चक्कर में आप एक काम करो आपको तो मैं 50 करोड़ ही एक्स्ट्रा दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में इस एडिशनल असेट्स पे बहुत ज्यादा मुझसे हैवी डिस्काउंट करवा रहे हो। अगर ऐसा है मतलब प्राइस अफेक्टेड हो रहा है तो फिर दिक्कत है, अगर प्राइस अफेक्टेड नहीं हो रहा है, प्राइस नेगोशिएट सेपरेटली हो रहा है, नेगोशिएटेड सेपरेटली, प्राइस नेगोशिएटेड सेपरेटली एंड नॉट अफेक्टेड, ड्यू टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में मैं यहां पर सेपरेट मानूंगा। बट अगर एडिशनल असेट्स का जो प्राइस तय हुआ है इट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो भले वो फंक्शन में अलग हो, डिजाइन में अलग हो, मैं उसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानूंगा, कंबाइन अदरवाइज, अदरवाइज मैं कंबाइन करूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे मॉडिफिकेशन में, याद रखना है दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, पहला कंडीशन फंक्शन वाइज अलग होना चाहिए, डिजाइन वाइज अलग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज अलग है क्या, प्लस साथ साथ उसका प्राइस अलग से तय हुआ है क्या, विच इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, इफ येस देन ट्रीट द एडिशनल असेट्स एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इवन विद द सेम कस्टमर, अदरवाइज कंबाइन द सेम विद द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, अलग बनेंगे अलग साथ में करेंगे, दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने पर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिकॉर्ड होगा, डिपेंड करता है, अगर आप सेपरेट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही अलग बन जाएगा, तो उसके लिए अलग से रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंडीशन जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूं वो फुलफिल करनी पड़ेगी, पर अगर आप उसको कंबाइन करोगे तो वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा, तो उसके रेवेन्यू रिकॉग्निशन का तो कंडीशंस हम उसी में कंबाइन हो जाएंगी। तो बेसिकली डिपेंड करता है, फर्क पड़ जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन के टाइमिंग पर और कुछ नहीं। अच्छा ये क्लियर हो गया, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा यहां पर हमने क्या किया, इसको फोर्थ पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, इसको दे दिया फोर्थ पॉइंट। ठीक है बेटा, इसके नीचे भी एक पॉइंट है उसको बाद में करेंगे। अब आइए द इंपॉर्टेंट इज मेथड्स अलाउड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। A7 कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अच्छा समझ में आ रही बात की नहीं, सर ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना
कि AS7 सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगेगा विच टेक्स मोर देन 1 ईयर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल से ज्यादा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में, विच टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट, कंप्लीट होने में 1 साल से ज्यादा टाइम लेंगे। अब अगर 1 साल से ज्यादा टाइम लेंगे तभी तो यहां पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ रहा है ना भाई। मुझे कुल मिला के मिलने वाले हैं 300 करोड़ रेजिडेंशियल फ्लैट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते करते 3 साल लग जाएंगे। क्या मैं ये 300 करोड़ पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में बुक करूं, क्या पूरा का पूरा लास्ट में बुक करूं जब कंप्लीट हो जाए? नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करता जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं 300 करोड़ को मुझे 3ों साल में अपोर्शन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? माइट भी आज 3 बोल रहा हूं, हो सकता है आगे चल के 4 हो जाए, हो सकता है नंबर ऑफ इयर्स आगे चल के बढ़ भी जाए। तो इसीलिए रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है उसके लिए समझना जरूरी है। उसके लिए AS कहता है यू हैव टू अप्लाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। कॉन्ट्रैक्टर को निकालना पड़ेगा कि उसने साल भर में कितना काम कंप्लीट कर लिया, आउट ऑफ 100% कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो गया। अगर 30% कंप्लीट हुआ है तो आपको रेवेन्यू भी सिर्फ 30% बुक करना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बोलते हैं। अब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे? ये 25%, 30%, 20%, 40% निकलेगा कैसे? दो तरीके, या तो कॉस्ट बेसिस पे या तो टेक्निकल सर्वे बेसिस पे। पहले मैं आपको बताता हूं टेक्निकल सर्वे जो जनरली काम नहीं आएगा आपको एग्जामिनेशन में। सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, सीधा सीधा सच्चा सच्चा ये है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ने जो इंजीनियर रखा हुआ है या जो कस्टमर का जो इंजीनियर है, आर्किटेक्चर इंजीनियर, उसकी रिपोर्ट में वो देख लेगा कि यार इंजीनियर के अकॉर्डिंग, बेसिकली इंजीनियर तो हो गई, इंजीनियर के अकॉर्डिंग इंजीनियर ने अपने रिपोर्ट में क्या बताया कि कितना काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंजीनियर अपनी रिपोर्ट में यह जरूर बताता है, बहुत सारी बड़ी रिपोर्ट होती है पर उसमें यह बताता है जरूर कि कितना एक्चुअली काम कंप्लीट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर की रिपोर्ट में लिखा होगा कि यार 25% काम हुआ है। अब इंजीनियर ने कैसे किया, वो उसने अपना खुद के कैलकुलेशंस लगा के सर्वे करके व्हाटएवर जो भी उसने देखा, टेक्निकल उसका काम है, उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर रेवेन्यू बुक करेगा कि हाँ यार इंजीनियर की रिपोर्ट में बोला गया है कि 40% काम कंप्लीट हुआ है तो मैं 40% रेवेन्यू बुक करूंगा। ये आपको ज्यादा काम नहीं आएगा, आपको जो काम आएगा वो ये आएगा कॉस्ट वाला, कॉस्ट इनकर्ड। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने आज तक कितना खर्चा किया, फॉर एग्जाम्पल 150 करोड़, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 150 करोड़, मैं आज तक कितना खर्चा कर चुका हूं 150 करोड़, मैं फ्यूचर में और एक्सपेक्टेड कितना खर्चा और करने वाला हूं, मान लो 80 करोड़ इंटू 100, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 80, मतलब 230 इंटू 100, ये आ जाएगा 65% अप्रोक्स। तो मतलब मुझे 65% रेवेन्यू बुक करना चाहिए। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा सा खुल के समझो, आपने ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाला, मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपने खर्चा किया लेट अस से 80 करोड़, आपको लगता है कि 80 के अलावा आप और आगे चल के आप और 160 करोड़ का खर्चा और करोगे, तो ये आपका काम कंप्लीट हुआ 33.33%। समझ आया? मान लीजिए आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, तो 33 जो परसेंटेज है वो आप 300 करोड़ पे अप्लाई करोगे, मतलब कहीं ना कहीं 100 करोड़। आपने कितना रेवेन्यू बुक कर लिया? 100 करोड़। सेकेंड ईयर तक आप फिर से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन शुरू से निकालोगे, आप बोलोगे आपने अब कितना खर्चा किया, पिछले साल तक तो आपने 80 किया था, अब आपका कितना खर्चा हो गया? आप बोलोगे सर मेरा खर्चा 155 का अभी तक हो चुका है, तो डिवाइड में भी 155 प्लस एडिशनल और कितना खर्चा होगा, एडिशनल और कितना खर्चा होगा, आपको लगता है एडिशनली मैं 90 का खर्चा और करूंगा, तो 155 प्लस 90 255 डिवाइड बाय 245, तकरीबन 63, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं,
63% आपका काम कंप्लीट हुआ है। कितना? 63। इधर आपको लग रहा था कि 80 प्लस 160 240 टोटल होगा, यहां आपका अंदाजा बदल गया। ठीक है, आपका 63% काम हुआ है। अब आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 300। हो सकता है सेकंड ईयर तक उसमें कुछ वेरिएशन आ गए हो, प्लस माइनस, मैं मान लो प्लस माइनस प्लस वेरिएशन कर रहा हूं, 308 हो गया, मान लो वेरिएशन आ गए अगले साल तक, तो आप क्या करोगे? 308 का 63% आ रहा है 194 अप्रोक्स। उसमें से आपने लास्ट ईयर कितना बुक कर लिया था? 100, तो वो माइनस करो। मतलब आप सेकेंड ईयर में जो रेवेन्यू बुक करोगे वो ये होगा। कुछ आया समझ में? क्लियर? तो बेटा इस तरीके से रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो ये लीजिए सरकार। चलो नोट कर लिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट था फिफ्थ। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। इफ आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड रिलायबली, हाँ मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने आपको बोला कि मैं आपको 3 साल में कंप्लीट करके दे दूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, चलता गया। एस कहता है हर ईयर एंड पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले चेक कर लो कि वो जो काम कंप्लीट होना है वो वाकई में हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। तो हर ईयर के एंड में रेवेन्यू बुक करने से पहले अपने आप से ये पूछो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आउटकम जो आपने उसको प्रॉमिस किया है वो आप उसको कंप्लीट करके दे दोगे? हाँ सर दे देंगे, दिक्कत क्या है? यस, काम कंप्लीट हो जाएगा। आस्क आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड रिलायबली, यस कंटिन्यू विद द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कोई दिक्कत नहीं, आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे, कोई दिक्कत नहीं। इफ द आंसर इज नो, सर नो क्यों आएगा? मान लीजिए कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट ऐसा हो गया कि अब तो वो मुझसे काम करवाना नहीं चाहता और मैं भी उसका काम नहीं करना चाहता, अब बताइए क्या आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड रिलायबली? क्या मैं आपको आउटकम दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, डिस्प्यूट हो गया। इसका मतलब नो तब होता है जब डिस्प्यूट हो, इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के केस में क्या करेंगे? याद रखिएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट है। AS7 का जनरल रूल क्या है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, बट दिस इज द एक्सेप्शनल रूल वेयर यू कैन नॉट बुक द रेवेन्यू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये नहीं कह रहा हूं कि रेवेन्यू बुक मत करो, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करोगे पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पर नहीं, क्योंकि अब मुद्दा यह है कि तेरा तूने बोल दिया आउटकम इज नॉट एस्टिमेटेड रिलायबली, मैं आउटकम करके ही नहीं दे पाऊंगा। जब तू आउटकम ही नहीं करके दे पाएगा तो ये परसेंटेज कहां से निकालेगा भाई साहब? परसेंटेज तो 100 में से निकलता है ना, 70%, 30%। जब तेरे को पता है कि तेरा आउटकम होगा ही नहीं, डिस्प्यूट हो चुका है, अब तो बस तू लगा हुआ है कि तेरे को जितना तूने काम किया उतना तेरे को पैसा मिल जाए, तू अब उतने में ही खुश हो जाएगा बस। सो बेसिकली रिकॉर्ड द रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो इक्वल टू कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? जितना तुमने आज तक खर्चा कर लिया है। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा यार डिस्प्यूट हो गया, शिट मुझे कम से कम बुरी से बुरी हालत में कितना पैसा चाहिए? एटलीस्ट जितना मैंने जेब से खर्च किया है एटलीस्ट वो तो मिल जाए। क्या उतने की रिकवरी पॉसिबल है? यस, कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब आप रेवेन्यू बुक करोगे कॉस्ट के बराबर का, जितना कॉस्ट आपने आज तक बियर किया है आप उतने के बराबर का रेवेन्यू बुक करोगे। इसमें इसको एग्जांपल में ले लो, जैसे फर्स्ट ईयर मान लीजिए आपने रेवेन्यू बुक किया बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई डिस्प्यूट नहीं था, आपने रेवेन्यू बुक किया था 100 करोड़, आपका कॉस्ट इनकर हुआ था 80 करोड़, आपका 20 का प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर में डिस्प्यूट हो गया, आपने यहां निकाला कॉस्ट टिल डेट, टिल डेट मतलब 2 साल तक कितना हुआ है, आपने देखा कि कॉस्ट आपका 170 करोड़ हो चुका है, उसमें से आपने फर्स्ट ईयर में कितना बुक किया था 80 करोड़,
तो ये बचा 90। यहां पर आपका डिस्प्यूट हो चुका है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया मैं रेवेन्यू बुक करूंगा मैक्सिमम 90 तक, या कैसे 90 भी नहीं, सॉरी 90 भी नहीं, ये तो आपका कॉस्ट है, ये तो हो गई आपकी सेकेंड ईयर की कॉस्ट। रेवेन्यू कितना बुक करूंगा? रेवेन्यू बुक करूंगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। टिल डेट कॉस्ट कितनी हुई है मेरी? 170। तो 170 में से कितना रेवेन्यू बुक कर चुका हूं? 100। तो मैं सिर्फ 70 करोड़ का रेवेन्यू बुक करूंगा, माइनस कॉस्ट कितनी इस बार हुई? 90 करोड़। तो इस बार कितना? 20 का लॉस। आप देखो पिछली बार 20 का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 20 का लॉस हो गया, अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर पहुंच जाओगे। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसमें भी वर्ड बोला है टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरेबल। आप जो ये 70 बुक कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप 70 रिकवर कर पाओगे? क्योंकि डिस्प्यूट हो चुका है, आपको लगता है नहीं मैं तो 70 भी बुक नहीं कर पाऊंगा। अब तो लगता है मेरे को 50 भी मिल जाए वही बड़ी बात है, मैं 50 रिकवर कर लूंगा। तो 50 माइनस 90 बल्कि उल्टा लॉस में ही आ गए आप। तो पॉइंट ये है कि तू साले अब कुल मिला के ये समझ ले कि अगर डिस्प्यूट में आ गए, आउटकम इज नॉट प्रोबेबल, तो यू कैन नॉट बुक द रेवेन्यू मोर देन द टोटल कॉस्ट। सर मान लीजिए हमने कर लिया, पर सर आगे ये हुआ, हमने सर आपके अकॉर्डिंग हम ये समझ में आ गया, सर मान लीजिए हमने कॉस्ट के बराबर रेवेन्यू बुक कर लिया, पर आगे चल के केस फाइल हुआ कोर्ट में और दुनिया भर की चीज हुई, आगे चल के सर उसने ज्यादा ही रिकवर कर लिया, फिर तो जिस टाइम पे ज्यादा रिकवर कर लिया उस टाइम पे एक्स्ट्रा बुक कर लो। जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक तुम कॉस्ट के ऊपर बुक नहीं करोगे रेवेन्यू, ठीक है? तो यहां पर लिखो जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता cannot record recognize revenue more than total cost incurred, ठीक है? याद रखना ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेसिस पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ले लिया सो बेटा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, सिक्स्थ पॉइंट। अब आते हैं सेवेंथ पॉइंट पर, सेवेंथ पॉइंट पर आते हैं। अभी तक मैंने आपको रेवेन्यू 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 के बारे में बताया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, आउटकम इज एस्टिमेटेड रिलायबली नॉट रिलायबली, तो रेवेन्यू बराबर कॉस्ट। बट अब कॉस्ट का क्या है? रेवेन्यू तो बुक हो गया सर, कॉस्ट का क्या होगा? सुनिए, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बुक इमीडिएटली। कॉस्ट के केस में आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं लगाना है, कॉस्ट के केस में सीधा सीधा जितना खर्चा किया पूरा का पूरा बुक कर दो, अगले साल जितना खर्चा किया पूरा का पूरा बुक कर लो, ठीक है? एक तो ये। दूसरा, इफ एस्टिमेटेड टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड्स एस्टिमेटेड रेवेन्यू। सर ये क्या है? मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था 300 करोड़ में, मैंने आपको प्राइस कोट किया 300 करोड़ में, आप मान गए, आप मेरे कस्टमर आप मान गए 300 करोड़ में। मैंने बोला बहुत शानदार है, तो मान गया 300 करोड़ में, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं टेंटेटिवली 2 करोड़ या सॉरी 300 करोड़ में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरा टेंटेटिवली एस्टिमेशन था कि मैं 270 करोड़ का कॉस्ट बियर करूंगा, 30 करोड़ मेरा प्रॉफिट, ठीक है? फर्स्ट ईयर हुआ, कॉस्ट हुआ, रेवेन्यू बुक किया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। सेकेंड ईयर के में क्या हुआ, मेरे को आया समझ में कि ओ माय गॉड ये तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉस में जाएगा, मैंने तो उसको एस्टिमेट गलत बताया था, 300 गलत हो गया, अब वो बढ़ाएगा भी नहीं, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान में हूं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है जहां पर एक्चुअली में नुकसान हो जाता है, आपने सुना होगा इवन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कई बार ऐसा होता है कि नुकसान वाली सिचुएशन हो जाती है, दिक्कत हो गई, अरे बाप रे अब क्या करे, नुकसान भी आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं काम कंप्लीट नहीं करूंगा, काम कंप्लीट होगा, मतलब आउटकम इज एस्टिमेटेड प्रोबेबली, आउटकम इज एस्टिमेटेड रिलायबली, आउटकम एस्टिमेटेड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम कंप्लीट नहीं होगा, पर मैं ये जानता हूं कि काम कंप्लीट हो भी जाएगा ना तो ये जो 300 करोड़ मुझे मिल रहे हैं ये मेरे लिए कम है, कॉस्ट इससे ज्यादा चला जाएगा। तो क्या करेंगे ऐसे केस में,
रेवेन्यू को जैसे बुक करते हैं वैसे करेंगे, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। पर यहां पर AS7 कहता है कि आप ये निकाल लो कि आप कुल मिला के कितने नुकसान में हो। टोटल रेवेन्यू कितना है? 300 करोड़। आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने होने वाला है? आपने बोला सर 320। अच्छा, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? सर 20 करोड़। आपने आज तक कितना लॉस या कितना प्रॉफिट बुक किया हुआ है? सर मैंने पिछले साल, ये लॉस है टोटल, सर मैंने पिछले साल प्रॉफिट बुक किया था 5 करोड़ का। अच्छा, तो एक काम करो, इस बार 25 करोड़ के लॉस का प्रोविजन बना दो। सर 25 कैसे? तेरे को कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट में कितना लॉस होने वाला है? 20। तूने उल्टा बल्कि पिछले साल प्रॉफिट दिखा दिया, तो वो भी हटाना पड़ेगा। तो वो 5 का हटा और 20 का लॉस, तो कुल मिला के तू 25 का लॉस ऑफ प्रोविजन का लॉस बना दे। अगर तूने पिछले साल लॉस दिखाया था तो इस बार तू 15 करोड़, इस बार तू 15 करोड़ का इमीडिएटली लॉस का प्रोविजन बना दे। सर पर अभी काम कंप्लीट थोड़ी है, नहीं हुआ है, तू अभी के अभी बना दे। क्यों? क्योंकि दिख रहा है साफ साफ कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तेरे को नुकसान है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, आई बात समझ में कि नहीं? तो जिस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान दिख रहा है तो वो इमीडिएटली टोटल लॉस निकालेगा और उसको प्रोवाइड फॉर करेगा, उसका प्रोविजन क्रिएट करेगा, ये बोलते हुए कि भैया ये तो मुझे लॉस में है तो मैं आज से ही भैया प्रोविजन फॉर लॉस दिखा रहा हूं, ताकि मेरे मेरी जो जो बैलेंस शीट पड़ेंगे उनको पहले से दिख जाए कि ये लॉस मैं इस प्रोजेक्ट में लॉस में। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिकल किस किस पे आते हैं। नॉर्मली ये 5वें नंबर पॉइंट पे, जैसा मैंने आपको बताया, आउटकम एस्टिमेटेड रिलायबली इस पे थोड़े से कम आते हैं और इस पे बहुत सारे आते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एक्सीड्स द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू, इस पे बहुत आते हैं। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? टोटल रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितनी है, सेपरेटली बताना पड़ेगा हर साइट का अलग अलग। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलोड, आपने किस मेथड से परसेंटेज निकाला है ये बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट पेबल टू कस्टमर एंड रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी कैलकुलेशन होती है कि मुझे कस्टमर से कितना लेना है या कितना देना है, ये भी आपके क्वेश्चंस इसके करिएगा, इसकी कैलकुलेशन होती है, सिंपल है वैसे। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर आपको कस्टमर से एडवांस मिला है तो वो दिखाइए। रिटेंशन बाय द कस्टमर, कस्टमर ने ऐसा तो नहीं कि कुछ पैसा आपने पास रिटेन करके रख दिया, जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो पैसा नहीं देगा। प्रॉफिट रिकॉर्ड, कितना किया आपने, प्रोग्रेस बिलिंग, आपने अभी तक कस्टमर को कितनी बिलिंग कर ली है। तो कुल मिला के आपकी ये सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से आपको ये डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। इसमें जो येलो वाला पॉइंट है उसके क्वेश्चन आते हैं, जरूरी याद रखना। क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन के साथ जुड़ के आते हैं कि बताइए पेबल टू कस्टमर या पेबल फ्रॉम कस्टमर कितना होगा। आई होप इस चार्ट रिवीजन से आपको ये हेल्प हो गई होगी कि पूरा का पूरा आपका चार्ट रिवीजन रिवाइज हो गया होगा बहुत ही कम समय में। अब मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे तो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि चार्ट रिवीजन का इंपॉर्टेंस मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं। एक बार आपका चार्ट रिवीजन हो गया, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे क्वेश्चंस की, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी ट्रंप बुक अगर आपके पास है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक है, वो डिटेल्ड वाली है, आपने एक बार उससे पहले कभी ना कभी पढ़ चुका है, आप सीधा सीधा चार्ट बुक में से पढ़िए, आप वो निपटाइए, ठीक है। चलिए, दिस वॉज AS7 का चार्ट रिवीजन। गाइस सबके साथ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, और मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको चार्ट रिवीजन लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।